मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत जो पोम है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। ये जो पोम का नाम है और इसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। यीट्स बहुत फेमस कवि रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो चलिए आप पढ़ते हैं आज हम इनकी लिखी हुई एक पोम, फ्रॉम एनी ग्रेगरी। दिस पोयम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। वॉट आर दे आर्गुइंग अबाउट। ये जो पोम है एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप है एक नौजवान युवक एवं नौजवान युवती के बीच में, यानी कि युवा युवक और युवती के बीच का होने वाला जो कन्वर्सेशन है वो को इस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैमपार्ट एट योर ईयर। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब यहाँ पर जो वो नवयुवती है वो किस चीज से परेशान है कि अपने जब बालों में एजिंग आने लगती है तो क्या होते हैं, बाल ग्रे कलर के, भूरे कलर के, व्हाइट कलर के होने लगते हैं। और उस समय जो एज में, इस एज में बिलोंग करने वाली जो महिलाएं रहती हैं तो जनरली अपने लुक को देख करके बहुत चिंतित रहती हैं और उनको लगता है कि मुझे एजिंग आ रही है, तो वो उसको तरह तरह से अपनी एजिंग को छुपाने का प्रयास करती हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि जो एजिंग है वो छुपने से नहीं छुप सकती। सिर्फ बालों को डाई करके आप अपनी एजिंग को नहीं छुपा सकते। तो उस समय उनको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से अपने आप को प्रूव करना चाहिए और उसको गॉड से कैसे रिलेट किया है, ये इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर। मतलब कि यंग मैन जो नौजवान युवक है जिसमें, उसमें भी एजिंग की वाली जो बात आ रही है, तो तुमको निराश होना नहीं चाहिए। और वो महिला बिल्कुल निराश न हो, उसके ग्रेट हनी कलर यानी शहद जैसे कलर के, रैमपार्ट का वैसे मीनिंग होता है अ वॉल एट द साइड ऑफ अ ट्रेंच, यानी किसी खाई के आसपास की जो बाल होते हैं, मतलब दीवार होती है, उसको रैमपार्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर उन्हें रैमपार्ट, यहाँ कान के पास आने वाले बालों को कहा कि उनको देख करके बिल्कुल डिसअपेयर नहीं करो और ये मत सोचो कि जो तुम्हारा साथी है वो तुमको सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करेगा, ना कि तुम्हारे पीले भूरे बालों को देखकर। मतलब जो तुम्हारा साथी है वो सिर्फ तुमसे प्यार करे, ना कि तुम्हारे ग्रे और पीले भूरे बालों को देख करके तुमको प्यार करे। मतलब यहाँ पर एजिंग आपके प्यार में इफेक्ट ना डाले। नेक्स्ट देखते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। दैट यंग मैन इन डिसअपीयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब वो महिला सोचती है, वो युवती सोचती है कि मैं क्या कर लूं, अपने बालों को डाई कर लूं, मैं हेयर डाई कर लूं, कौन कौन से कलर में, या तो मैं ब्राउन कर लूं, ब्लैक कर लूं, कैरेट एक वेजिटेबल होती है, विंटर वेजिटेबल, उस कलर का कर लूं, इतना सुंदर तरह से मैं अपने बालों को डाई कर लूं। तब उस युवक को मुझको देख करके निराशा नहीं होगी, वो मुझे, सिर्फ मुझे प्यार करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर यानी एजिंग वाले बालों को देख करके प्यार करे। वो सिर्फ मुझको और मुझसे ही प्यार करे, ना कि मेरे बालों की एजिंग पे जा करके उस पर विचार करे। अब नेक्स्ट पैरा में क्या बताया। आई हैड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब यहाँ पर पोएट जो है वो क्या बता रहा है कि वो युवती कहती है, अरे मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक बुजुर्ग धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए कल रात को सुना था, उसने डिक्लेयर किया था कि उसके पास एक ऐसा प्रूफ है जिससे वो बताएगा कि माय डियर सिर्फ तुमको कौन प्यार कर सकता है ऐसे ढंग से, ओनली गॉड, ईश्वर है जो तुमको, तुम्हारे को प्यार करेगा, ना कि तुम्हारे पीले बालों को देख करके कुछ विचार करेगा या निराश होगा। सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसा है जो आपको, सिर्फ आपको देख के प्यार करे। बाकी दुनिया क्या है, आपके साथ साथ आपकी बाकी की जुड़ी हुई चीजों को देख करके आपसे प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की इंपॉर्टेंस पर उन्होंने जोर दिया कि ईश्वर ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको सच्चा प्यार कर सकता है। अतः युवती को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नवयुवक मुझे, मेरे बालों को देखकर नहीं सिर्फ मुझसे प्यार करे, तो
ऐसी चीज उसमें नहीं है, सिर्फ ईश्वर में ही मौजूद है। तो बच्चों ये थी पोम अपनी एनी जॉर्जी। अब नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट लेसन समझेंगे। थैंक यू बच्चों।